सफ़ेदों में आज महात्मा गांधी रोड पर नरेश जांगड़ा मुआना के द्वारा, जो पंचायती राज संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अशोक तंवर के 43वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रक्तदान शिविर के आरंभ होने से पहले हवन का यहां पर आयोजन किया गया और यहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां पर तादाद अच्छी देखने को मिली युवाओं की, जो रक्त देने के लिए कतारें लगाए हुए थे, और यहां पर गणमान्य व्यक्तियों ने भी पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की और नरेश जांगड़ा को शुभकामनाएं दी अशोक तंवर के जन्मदिन की। वैसे तो ये रक्तदान शिविर नरेश जांगड़ा के द्वारा पहली बार आयोजित किया गया था, लेकिन इसकी एक खास बात ये रही कि जितनी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी उससे ज़्यादा खून देने वाले पहुँचे थे, जिसके वजह से जो तैयारियाँ थी वो कहीं ना कहीं छोटी पड़ती दिखी और रक्तदाता अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए इंतज़ार में रहे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जानना चाहेंगे किस उपलक्ष्य में आपने किया है। आज हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी का 43वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सफेदों विधानसभा क्षेत्र की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और हवन यह किया गया है, ताकि उनकी परमपिता परमात्मा उनका स्वास्थ्य जो अच्छा रखे और उनकी आयु लंबी हो, और आने वाले समय में वो हरियाणा प्रदेश के 2019 के अंदर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 36 आदि का विकास कर सके। कितनी यूनिट का आपने लक्ष्य रखा है? तो हमने कम से कम 100 का यूनिट का टारगेट रखा है, लेकिन भीड़ की तादाद से लगता है कि 200 प्लस यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। युवाओं में जोश है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं युवाओं में काफी जोश है, काफी लंबी कतार यहाँ पर ब्लड देने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में काफी संख्या में युवा नौजवान उमड़ के आए हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है? नहीं नहीं, ये राजनीति बात नहीं, सामाजिक बात है जी। और समाज के लिए हमेशा डॉक्टर अशोक तंवर जी भी तत्पर रहते हैं और हम उनके कार्यकर्ता भी हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं अशोक तंवर जी को देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जल्दी परमपिता परमात्मा आने वाले 2019 या अक्टूबर सितंबर के अंदर जब भी चुनाव होगी विधानसभा जी, तो वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 36वीं बिरादरी का वो खड़ा करेंगे। जी धन्यवाद जी। कंचन टीवी के एडिटर के द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान ब्लड डोनेट किया गया फर्स्ट टाइम। आज आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी सर, आज फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया है जी, और काफी अच्छा लग रहा है जी। अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि मेरे ब्लड से 3 बंदों की जान बचाई जा सकती है जी। अच्छा, प्राउड सा फील कर रहा हूँ जी। गुड, और सभी से यही कहूंगा कि वो जिंदगी में अपना ब्लड जरूर डोनेट करें और निरंतर अंतराल पे ये किया जा सकता है 3 महीने के अंतराल में, और इसे करते रहें, खुशी मिलती है और आपकी जो बॉडी है वो भी ठीक रहती है, क्योंकि जो खून है वो गाढ़ा होने लगता है, उससे भी काफी फर्क पड़ता है, पतला रहता है, ठीक रहता है, और सामान्य तौर पर ये बन ही जाता है 3 महीने में, तो आपको करते रहना चाहिए। थैंक यू।